Bismillahir Rahmanir Raheem. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss mathematics class 1, Unit 1, and the Unit 1 is about whole numbers. Today, our topic of discussion is about counting number of object in given set. काउंट नंबर ऑफ फ्रॉग्स इन सेट अब अगर आप देख रहे हैं तो ये हमारे पास एक बॉक्स बना हुआ है ठीक है जिसके अंदर ये कुछ फ्रॉग्स हैं। आप देख रहे हो ना ये बॉक्स के अंदर अंदर फ्रॉग्स हैं। अब ये बॉक्स क्या कहलाता है ये एक सेट कहलाएगा ठीक है ये क्या कहलाएगा एक सेट कहलाएगा अब आपने इसमें काउंटिंग करनी है कि नंबर ऑफ फ्रॉक्स कितने हैं एक तो तरीका का आ रहा है कि आप एक एक करके काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव मैं आपको एक इसका आसान तरीका बताऊंगा क्योंकि हमने काउंटिंग इन टेंस सीख लिया है ना तो अब काउंटिंग इन टेंस को अगर आप यूज करो तो ये हमारे पास क्या बन रहा है ये नीचे अगर आप देखो तो ये कुछ ज्वाइनिंग की हुई है लाइन्स की मदद से देख रहे हो आप ये तीनों के साथ तो ये टेंस को शो कर रहा है बेसिकली देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन आपको याद होगा जब मैंने काउंटिंग इन टेंस पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि जब हमारे पास एक काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट आ जाए ना एक साथ और हमें काउंट करने की जरूरत पड़ जाए तो हम क्या किया करेंगे हम उनके टेन टेन के बंडल्स बना लेते हैं बात समझ आ रही है तो इधर हमने टेन टेन के क्या किए ग्रुप्स बना लिए ये भी टेन का ग्रुप बन गया इससे पहले वाला भी और ये भी हमने क्या किया 10 का एक ग्रुप बना लिया और अब इसको काउंट इंटेंस करो हाँ जरा जल्दी से आपको याद होगा कि इसको क्या पढ़ते थे ये 10 है तो 10 के बाद काउंट करो तो क्या आता है 20 भाई ये 10थ प्लेस चेंज होती है ना काउंट इंटेंस का मतलब ही ये है ना 10थ प्लेस चेंज होगी तो 10 के बाद आएगा 20 20 के बाद प्लेस चेंज होगी तो नंबर चेंज होगा यानी 10थ प्लेस चेंज होगी तो क्या होगा 30 इसका मतलब है ये 10 हो गया ये ट्वेंटी और ये थर्टी कितना आसान हो गया बजाय इसके कि आप एक एक करके इनको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन करके काउंट करते हमने जल्दी जल्दी इन में देखा तो ये हम आसानी से क्योंकि टेंथ में हमने काउंटिंग सीखी हुई है तो इधर से हमें पता चल गया कि यहां तक फ्रोक्स की तादाद कितनी है थर्टी तो थर्टी के साथ जब ये वन टू थ्री ये मिले तो क्या बन गया थर्टी थ्री तो पता चला हमारे पास कितने फ्रॉक्स हैं हमारे पास इस सेट में थर्टी थ्री फ्रॉग्स हैं बात समझ आ गई बहुत अच्छे काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन सेट्स अब ये आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं तो इनमें से भी आपने काउंटिंग इन टेंस में करोगे तो बहुत आसानी से आप लिख सकोगे भाई देखो ये टेन का बंडल है ये भी टेन का बंडल है तो इसका मतलब है ये तो हो गया टेन और ये भी टेन टेन के बंडल तो टेन में काउंट करो तो ये क्या बन जाता है ट्वेंटी बात समझ आ गई ट्वेंटी और आगे काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव और आसान तरीका अगर आप कहें तो मैं आपको बताऊं वो क्या बोला ठीक है भाई अगर मैं इसे रिमूव करता हूं बड़े गौर से देखो इधर बंडल कितना है एक और ये क्या है टू वन एंड टू यानी कितने बंडल्स हैं टें के कितने है? टू तो ये आप टें प्लेस में लिख दो जितने बंडल हैं ये मैं दूसरा तरीकाकार बता रहा हूँ पहले मैंने काउंटिंग इन टेंस में बताया अब ये दूसरा मेथड बता रहा हूँ और बाद में जो वंस वाले हैं वो काउंट कर लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो इधर आप क्या लिख देंगे एट बात क्लियर है मेरी आसान हो गया थोड़ा सा इसी तरीके से अगर आप ये बंडल काउंट करो तो ये भी टेन का बंडल है ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन भाई टेन का बंडल है ये भी टेन का बंडल है ये भी टेन का बंडल है कितने हो गए थ्री टेन्स हो गए तो ये मैंने यहां पे लिख दिया आगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसका मतलब वंस कितने हैं तो यहां पे टोटल बालून्स कितने हैं थर्टी सिक्स तो दोनों मेथड्स में से जो आपको आसान लगे वो आपने अप्लाई करना है और ये वाला क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो लेक्चर में आपने काउंटिंग इन टेंस यानी किसी दिए गए सेट में नंबर ऑब्जेक्ट को काउंटिंग इन टेंस की मदद से कैसे काउंट करते हैं और कुछ मैंने इसमें से आपको क्वेश्चंस भी करवाए और एक क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क असाइन किया आज तक के लिए इतना ही अल्लाह हाफिज़